जी की नाम है अपना, तो नाम सर खावर नाम है मेरा, खावर है, कितने बोले? अबू अबू धाबी से। धाबी से बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, जी बोले जी आप थोड़ा अपना जी साइड में इधर को आए, थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, बताएं। हाँ अब नहीं अभी नहीं ठीक आ रहा थोड़ा सा लेफ्ट, है। इधर ऐसे इधर नहीं नहीं ऑपोजिट 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 ओके। या मोर मोर मोर, कीप गोइंग। ओके अभी ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोले बोले जी, क्या बोले, नाम क्या पूरा आपका? खावर महमूद नाम है मेरा। खावर महमूद, कहाँ के रहने वाले हैं? जी जी मैं पाकिस्तान का सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कर जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जी हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। किस चीज के? कितने मैं टैक्सी की जॉब कर रहा साल से? हूँ, 2 साल से ऑलमोस्ट। अच्छा, जी ठीक है बताएं क्या क्या मसला है। सर ये पूछना ये था कि 2-3 क्वेश्चन थे मेरे कनाडा से रिलेटेड। वो ये थे कि पहले ये था कि मैं अपनी वाइफ के साथ मूव होना चाहता हूँ कनाडा, ठीक है, और स्पाउस वीजे पे। उसका स्टडी वीजा होगा और मैं स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाह रहा हूँ अच्छा अपना। तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन करने थे कि एक उसने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है सर, और दूसरी बात ये कि शादी के बारे में पूछना था कि इंगेजमेंट के बाद वीजा अप्लाई करें या शादी के बाद करें सर। शादी आपकी हुई नहीं अभी तक? नहीं, इंगेजमेंट हुई हुई है। पहली बात तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट से स्पाउस वीजा नहीं लगता। एंगेजमेंट तो एक एक स्टेप है, जब तक आपकी पूरी शादी नहीं होती, जब तक उसकी रुख्सती नहीं होती, आपके पास निकाह नामा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक आप स्पाउस लीगली कहलाने के उसमें नहीं है, उसमें टाइटल में नहीं ओके आते। सबसे पहली ओके बात तो शादी होने दे। शादी कब होनी है? सर, अभी रिसेंटली 3 से 4 माह में। इन 4 मंथ्स, 4 महीने में शादी होने वाली है? जी हाँ अच्छा, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है भाई। अभी तो आप पहले शादी करें, शादी करने के बाद कुछ टाइम अपनी फैमिली को सेटल करें, थोड़ा एस्टेब्लिश करें, और ओके जिसको हम कहते हैं कि मैरिज हिस्ट्री को बनाएं अपना, उसके ओके बाद ही फिर कुछ होगा। अदरवाइज वो वीजा आपको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें आपके जो जो जेन्युइननेस और बोनाफाइड जो मैरिजेस पे सवालिया निशान लगा देंगे। तो पहली बात तो ये है कि शादी के इमिजिएटली बाद नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम लेके करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी बेगम का वो क्वालिफिकेशन क्या, आपने कहा मास्टर्स है, किस चीज में, मास्टर्स किया हुआ है सर उसने, किस चीज में? फ्लोरिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर में जो वो फूल वगैरह बनाते हैं, जो जी हाँ, फ्लोरस फूल फ्लोरस में। जी, फूल में सर तो आगे आगे उसको क्या पढ़ने का उसका पर्पज है, क्या पढ़ेगी? आगे ऑलरेडी उसका PhD में एडमिशन हुआ था चाइना के लिए, तो देन ट्रेवल अलोन करने की वजह से उसने नहीं किया। फिर कोरोना चाइना में तो वैसे ही कोई जा नहीं सकता, आप चाइना में क्या हाँ पीएचडी जी, होगी। तो अभी तो देन बेहतर है क्रोन कि उसे उसे कहें कि पीएचडी का एडमिशन कनाडा में ले लें कहीं। ओके अगर उसका पीएचडी का एडमिशन कनाडा में हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए आई एम श्योर इट इज डिफिकल्ट टू गेट पीएचडी एडमिशन, पर ठीक है, अगर वो पढ़ने में होशियार है तो जब अगर उसको पहले ही मिल चुका है तो हो सकता है कि मिल जाए पीएचडी, मिल जाएगा तो शायद कुछ वजीफा वगैरह भी लग जाए, शायद कुछ ये भी हो सकता है। ओके तो उससे कहें कि आप अगले साल के लिए, अभी इतनी जल्दी तो पीएचडी का होता नहीं है, अगले साल का निशाना लगे, मतलब 2021 अच्छा सितंबर का, और पीएचडी में एडमिशन अभी से शुरू करेगी, तब जाके अगले साल का होगा। और आपकी शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आप चार, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं 4 महीने वेट ना करूंगा, आप जल्दी से जल्दी शादी करें, जितना भी पॉसिबल जल्दी से हो सकता है। और शादी के बाद या तो आप पाकिस्तान में उसके साथ रहें, या उसको आप यहाँ बुला लें, आप दुबई में है ना, जी, दुबई में। तो या उसको आप दुबई में बुला लें। तो हस्बैंड वाइफ को साथ रहना बहुत ही लाजमी है मैरिज शो करने के लिए, अदरवाइज तो उन्हें पता है कि आपने शादी करी, उसके सिर पे आपको वीजा
हेलो। एडमिशन का आवाज नहीं आ रही। बात क्लियर हो गई। तो नहीं, सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं। एक बार सर आपको आपको अच्छा अच्छा अभी आज अब आ रही ठीक हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। है। तो अच्छा, आपको आपको सुन के जो पहले कहा था उन्हें नहीं सर, बिल्कुल आवाज कट गई थी, कोई समझ नहीं आई बिल्कुल आपने क्या बोला। सॉरी। सर मैं अर्ज करा कि आपको आप पीएचडी का एडमिशन अगले साल का लें और अगले साल अप्लाई करें। अगले साल जब उसका टाइम आएगा जो अराउंड मार्च अप्रैल में फिर स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेगी तब तक आप उसके साथ रहें, ये जरूरी है। ओके सर, मतलब एक होता है कि एक आपका पार्टनर जो होता है उधर पहुंच जाता है, उसके कितने टाइम ड्यूरेशन बाद अप्लाई कर सकते हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप उसके साथ अगर 6 महीने साथ रह लेंगे तो आप इकट्ठे कर सकते हैं। इकट्ठे कर सकते हैं, फिर वो इतना नहीं, ज्यादा इशू नहीं आएगा। इशू तो हमेशा ही रहेगा। शादी की जेन्युइननेस को उन्होंने जजमेंट तो करना ही करना है कि शादी जेन्युइन है कि नहीं है। लेकिन अगर आप साथ रह लेंगे थोड़ा सा बात वो कवर अप हो जाएगी, थोड़ा सा ढक जाएगी और थोड़ा सा उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि शादी के में एक दूसरे कमिटमेंट और एक दूसरे को प्रूफ जो है वो देखना है वो देख रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको सोच रहे हैं कि भी वो पहले चली जाए का सेमेस्टर बाद आप करें वो भी आपको कोई कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन शादी को असल असल जो चैलेंज है वो प्रूव करना है कि शादी आपकी जेन्युइन है कि नहीं है। असल चैलेंज तो वो है। और वो कैसे प्रूव करेंगे? शादी तो आपने कर ली लेकिन शादी के करने के बाद अगर आप अपने वाइफ के साथ अगर रहे नहीं तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आप दोनों में शादी की जो वो जो हम कहते हैं इसको क्या वर्ड यूज करूं, शादी की जो आपकी जो गृहस्थी है जो साथ रहने का जो आपका मैरिटल यूनियन है वो स्टार्ट भी हुआ है कि नहीं है, ठीक वो साथ है। रहने के अच्छा, साथ ही जाता है। बस सर यही कुछ क्वेश्चन थे मेरे आपसे जो पूछने थे रिलेटेड स्पाउस वीजा के। और हाँ जी, मैं काफी अरसे से आपका चैनल देख रहा हूँ, काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो आगे भी मैंने कमेंट किए थे नीचे आपके मैसेजेस चला पे, वीडियो पे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं दुबई आ चुका हूँ एक दो बार और दुबई मेरे को बहुत पसंद है। जो आपकी आजकल वो तो दुबई मॉल में मछलियां वछलियां हट गई, वहां डॉल्फिन वाला तो खत्म हो गई होंगी सारे, हटा दिया वहां। हाँ जी सर, अभी बांध कर दिया ना टूरिस्ट के लिए। कल मेरे को किसी ने बताया था कि शारजा की किसी बिल्डिंग में आग लग गई कल। नहीं सर, नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली इधर मीडिया इतना उस तरह से ओपन नहीं है जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में, ऐसी न्यूज़ कोई भी ब्रेकआउट नहीं करते हैं ओ ऐसा अच्छा, कुछ हो मेरे जाए। को कल ही जी किसी ने जी वीडियो भेजी, कल रात को वीडियो भेजी कोई शारजा में, पता नहीं आग पता नहीं रीसेंट की है पुरानी है। पर मैं दुबई दुबई की न्यूज को काफी फॉलो करता हूँ मैं दुबई को, और दुबई में पसंद भी बहुत करता हूँ। मेरे को याद है कि मैं 2 बार आया वहां पर, एक हफ्ता 4 दिन रहे रहा थे। तो शेख जायद एक्सप्रेस पे भी मैं आपका वो जी जी वहां पर भी मैंने गाड़ी चलाई। और आपके अच्छा जो एक वो है पाम जुमेरा है वो जो ऐसे बने हुए जो आइलैंड वाले जी बने हैं जी जी वहां पर भी मैं गया। आई लाइक दुबई। दुबई मेरे को दुबई इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू विजिट। जी सर, पूछना था कि आपकी फीस, कंसल्टेंसी फीस कितनी है? वैसे तो आप अगर करना हो तो केस करना हो, आप स्टूडेंट वीजा नहीं करते हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर दोनों साथ में कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट और स्पाउस दोनों साथ में कर रहे हैं, तो आप वो करते हैं कि नहीं करते हैं? उसकी पॉलिसी में मैं क्लियर कर देता हूँ आपके थ्रू, उस क्लियर कर देता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि हर एक इंसान पहले अपनी कोशिश खुद करे। उससे 2 फायदे हैं। उससे तो एक तो आपके पैसे बचेंगे पहले आपके, और दूसरा आपको खुद नॉलेज आएगी, आपको इल्म आएगा कि उसको करना कैसे है, क्या गलती है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर है। तो
उसको खुद आएगा। अगर किसी भी लॉयर कंसल्टेंट से आप कराओगे तो आपकी किस्मत का फैसला वो करेगा, आप नहीं करोगे। कई बार वो गलती भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि सब करते हैं, कई को गलती हो भी जाती है, तो नुकसान लेकिन आपका होगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ, सबको एनकरेज करता हूँ कि अपना काम अपने आप करें, और अगर काम नहीं होता बाय एनी चांस देन यू गो टू एनी लॉयर, सो उसके बाद आपको जाना चाहिए। बाकी स्टडी वीजा या विजिटर वीजा या वर्क वीजा या स्पाउस वीजा, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको प्रॉपर मालूमात हासिल है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लोग गलतियाँ करते हैं कि उसको बगैर पढ़े हुए, उसको बगैर जाने हुए आंखें बंद करके एप्लीकेशन डाल देते हैं एंड दे गेट रिजेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। वो उसकी उसकी नॉलेज नहीं लेते, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में पता नहीं उनको, तो ये है। बाकी अगर आप अपनी वाइफ को कहें, पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी उन्होंने करना है आगे, और यू नो आई एम श्योर शी हैज गुड ग्रेड्स इन इंग्लिश, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है अपने आप चेक करें, जो पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट्स है उसकी, जो कैनेडियन स्टडी वीजा की, वहां से चेक करें और वहां से करके अपने आप एप्लीकेशन करें। हाँ, अगर वीजा आपका रिफ्यूज हो जाता है तब आप मेरे को मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि उनका जब रिसेंटली चाइना के लिए हुआ था पीएचडी के लिए, जब फाइनल सब कुछ स्कॉलरशिप पे था, ओके, तो जब फाइनल टिकट तक इवन दैट के आ गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसके पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया अलोन ट्रेवल करने के लिए। क्या ये जब हम कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे स्पाउस वीजे के लिए, तो इसमें कुछ एज होगा हमें कि नहीं होगा कि प्रीवियसली शो करके कुछ? कनाडा, अगर आप चाइना गए नहीं गए, क्यों नहीं गए, कनाडा को इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वीजा रिफ्यूज हो जाता तो जरूर उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं गई, किसी वजह से नहीं गई, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल फॉर कनाडा स्टडी वीजा फॉर दिस चाइना ट्रिप। ओके ओके, इनफैक्ट चाइना से उसको कोई वजीफा मिला, उसका कोई एडमिशन हुआ और वो सब हुआ, वो सब इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें लिखेंगे तो चाइना जो कनाडा वाले भी थोड़ा सा वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हाँ भाई लड़की का पहले एडमिशन कहीं हो चुका है इस लेवल का और उस लेवल का इसका कैलिबर है। सो दैट इज ऑलवेज अ बोनस पॉइंट। ओके, चलें सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।